सुप्रीम कोर्ट में अवैध रूप से देश में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार वापस भेजने के मुद्दे पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने रोहिंग्या मुसलमानों को अगले आदेश तक वापस न भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है, देश की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन रोहिंग्या के ह्यूमन राइट्स पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने सभी पक्षों को बहस करने का और वक्त देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तारीख तय की है। वहीं इस मुद्दे पर मशहूर हस्तियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला खत लिखा गया है। इस खत में केंद्र सरकार से म्यांमार में जारी हिंसा के बीच रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस उनके देश नहीं भेजने की अपील की गई है। इस खत पर मशहूर वकील प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, सांसद शशि थरूर, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, एक्टिविस्ट तीस्ता शीतलवाड़ समेत कुल 51 मशहूर हस्तियों ने हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र सरकार ने पिछले 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर देश में अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों से देश को खतरा बताया था, जिसके खिलाफ 2 रोहिंग्या शरणार्थियों ने पिटीशन फाइल की, जिस पर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। संगीता सिंह, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।